ورمل کین کہین جائن ڈوٹھ پین سیت تھج بیول خراب سپودمت الزن میو باغن تے بڑس پیمانس پٹ نقصان چھ ووتمت یمکن زمیندار مشکلن من چھنامیت امال چھ مقامی لوکو کتھ کران من ز ڈوٹھ پین سیت سب دے سین پور وریچ محنت زائی تیمش انتظامیاس معاوضچ اپیل کرمز कश्मीर में मुसलसल बिगड़ता हुआ मौसमी सूरत हाल ने यहाँ पर मेवा सनत के साथ साथ जरी सनत को काफ़ी मुतासिर कर दिया है। वही अगर हम बात करेंगे ज़िला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की, यहाँ पर भी कल जो है बारिशों के साथ साथ जो चालाबारी हुई है, इस चालाबारी ने एक बार फिर मेवा सनत के साथ साथ दान की पनीरी को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर मकामी लोगों की क्या राय है, क्या मुतालबा है इनका, इन्हीं से जानना चाहेंगे। मौसमी सूरत हाल क्या डिमांड रहेगी आपकी मुतलका महकमा से? जी, मौसमी सूरत हाल यही है, जैसे मार्च से ही आप देख रहे हैं मौसम जो है बहुत ही ख़राब है और हमारा जो रोज़गार का दारोमदार है वो इसी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पे ही है और मार्च से लेकर लगातार बारिशें जो हो रही है, हमने ज़मीन में जो खेती बाड़ी है वो भी नहीं कर रहे थे और उसके अलावा जो ये बिगड़ता हुआ मौसम है, जिस तरह से वक्तन फवक्तन यहाँ पे जालाबारी हो रही है जिससे हमारे मेवा बागात जो है उनमें बहुत हद तक नुकसान जो है वो हो रहा है। कहीं पर भी पेड़ों पे कोई मेवा जो है वो नज़र नहीं आता है। जो स्ट्रॉबेरी थी उसमें भी नुकसान हुआ है, चेरी जो है उसमें भी नुकसान हुआ है। तो हमारा यही मुतालबा रहेगा, हमारी यही गुजारिश रहेगी गवर्नर इंतज़ामिया से और ख़ासकर महकमे हार्टिकल्चर से कि जी एग्रीकल्चर से भी कि हमारी कोई माली मावनत जो है वो की जाए, क्योंकि हमारा दारोमदार जो है इसी हॉर्टिकल्चर पे है, इसी एग्रीकल्चर पर है और आप देख रहे हैं कि बिगड़ता हुआ मौसम जो कि बिल्कुल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और हर दिन यहाँ पे आप देखते हैं कि जालाबारी हो रही है, बारिशें हो रही है, ज़मीन बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, तो काफ़ी नुकसान जो है वो हमारा हो रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा मायूसी है से जो बचा हुआ कोई अगर दाना किसी पेड़ हमारी तरफ तो आ जाते हैं तो जो मकामी लोग की हम नज़रें सिर्फ और सिर्फ महकमा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर है ताकि इलाके की तरफ एक टीम जो है वो रवाना की जाए और यहाँ पर जरी सनत के साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर की सनत है उसको बचाया जा सके। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर तो डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सिंह तरफ आवाज शुमल कशीर जिले कुपवार एक दौर करने या दौरान तुम कहियान जायन हुन दौर कर हाल डोट सत फसल नुकसान जायज हियत तुम अत मौक पे जमींदार यकीन दुमत जिम नुकसान भरपूर मुआवजा फराम कर तिंद मुश्किल दूर सपदान तुम जमींदार पे जोर दुमत जिमन अमाल घबरान कह तुरत मुतलका महकम पथ वज तिम सिम महकम तरफ भरपूर मदद कर। आज यहाँ कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के साउडी त्रैगाम कावारी जोन एग्रीकल्चर का जो जोन है इसमें और इसके गिरदनवा इलाका का जो विजिट हमने किया कि जब हम सुबह 4:30 बजे श्रीनगर से चले, कल आफ्टरनून में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट नुकसान हुआ है तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सुबह हमने श्रीनगर से 4:30 बजे हम लोग निकले और इस वक्त शायद 8:30-9 बज चुके होंगे तो हम इस साउडविन का डिटेल टूर कर रहे हैं और मैंने इस चीज़ को असेस किया कि यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जितने भी मुलाजमीन यहाँ पे हैं और ख़ासकर यहाँ के जो मेरे किसान भाई हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो हमारे BDC हजरात हों, DDC हजरात हों या सरपंच या पंच हजरात हों, के हर गाँव वाइज असामी वाइज इसकी लिस्ट बनाई जाए कि एक किसान उसके पास ज़मीन कितनी है, उसमें वो क्या क्या फसल उसमें थी, अगर पैडी की नर्सरी किसी जगह थी तो उस नर्सरी से कितना एरिया कवर होता था। और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कपवाड़ा से मेरी गुजारिश है, ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर साहब से, जो बड़े किसान दोस्त डिप्टी कमिश्नर उनकी सारी टीम है, कि रेवन्यू अथॉरिटीज़ को भी इंस्ट्रक्शन इशू की जाएँ कि एग्रीकल्चर और रेवन्यू अथॉरिटीज़ मिल के और ख़ासकर किसानों के बीच में बैठ के PRIs हजरात जितने भी हैं इनसे भी मेरी मोतमाना गुजारिश है कि आप लोग भी, क्योंकि ये लोग हमारे हैं, कि किसी किसान का नाम इस लिस्ट में से नहीं रहना चाहिए और वो लिस्ट जब बने तो जो एग्रीकल्चर के मुलाजमीन हैं वो दफ्तर के बाहर एक लिस्ट लगाओ कि हमने असामी वाइज ये जो लिस्ट बनाई है, अगर उसमें किसी जगह कोई कमी पेशी है तो उसके लिए फीडबैक लेके, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये उनके डोमेन में आता है, लेकिन हम गवर्नमेंट के पास इस इशू को, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की हदायत पे यहाँ आया हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट का एक पार्ट हूँ
और हमारी कोशिश है कि ये जो किसानों का नुकसान हुआ है किस लिहाज से इसकी भरपाई की जाए। मैं किसान भाइयों को यहाँ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में जो कुछ है आपकी इस नुकसान की जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट के पास जाएगी। मैंने खुद इस चीज़ का जायज़ा लिया है और मैं देख रहा हूँ क्योंकि इस वक्त हमारा खरीफ सीज़न जो है ये पीक पे है, लोगों ने ऑलरेडी पैडी का सीड प्रोक्योर करके चाहे वो डिपार्टमेंट से लिया हो या अपना सीड रखा हो या किसी दूसरे अदारे जैसे हमारे किसी जगह रिसर्च स्टेशन किसी जगह सीड होगा या हमारे CSP PSP सीड लिया हो, किसान किसान से सीड लिया हो। मैंने खुद देखा है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तो पैडी नर्सरी का भारी तादाद में नुकसान है। जहाँ कहीं मैं देख रहा था वेजिटेबल की जहाँ सीडलिंग थी उसका नुकसान हुआ है, हमारे पास गार्लिक की, ऑनियन की, दूसरी वेजिटेबल की क्राफ्ट जो है उनका 100% नुकसान हुआ है। और ये रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को देंगे, इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी। लेकिन इसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए सबसे बड़ा रोल हम समाज के सभी लोगों का है कि हम सब बैठ के जिस जिसकी जितनी ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन की तस्दीक देना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, भी चली जाएगी। बाकी जो जितने भी नेटवर्किंग ग्रुप्स हमारे उन पर आ गई है, करना क्या है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मौसम जो है ये अब स्टेबल रहना चाहिए। अगर इमिजिएटली सेल स्टार्म के बाद स्प्रेज करने होते हैं ताकि जो बाकी फ्रूट जो बच गया दरख्त पे अगर उस पे ओले ने हेल स्टार्म یوچی جنوبی کشیر ترال علاقس مز تہ واو طوفان ست کہیان رہائشی مکان نقصان ووتمت یل زن کہیا کل تہ سڑکن پٹ وس آمت تاہم وت پکن ول بال بال بچاؤن آمت تمہ حوال پنگلش ترال علاقس ست تعلق تھا ول محمد اقبال شیخ سندس رہائشی مکانس تشدید نقصان ووتمت تو تمو شکایت باہ ون رات آو اچانک اخ ڈن کل مکانس پہ وست یم کن مکانس نقصان ووت یل زن عیال مقامی لوکو طرف بچاؤن آو تمو ون زد ام حوال کہیا پھر حکامس کل ژٹنے خاطر ون آمت تاہم دیت نمو اجازت یم کن یوت بوڑ حادثہ پیش آو تمو حوال انتظامیہ معاوضہ اپیل کرم اچھا امس سوچو سر ڈنگ کل یت مکانس نزدیک بلکہ یہ گوتھ تحصیلدار صوبس یا پٹور صوبس واریہ لٹہ ام غرض کی دپن مے دیاز یت پرمیشن کہ مش مکانس پہ کن سات مہ کر واو یا بلکہ دلیل مہ گھس یہ یپر پرابلم بلکہ ہمو نا دت ات پرمیشن کہین یت گئی تحصیل یوت کال یت زدس مز آئی مطلب نقصان گو رات کرن واو یہ رات سہ واو طوفان کرن تو بیس یہ ڈنگ کل حض آو مول ہیت پھیرت یہ ڈنگ کل حض آو مول ہیت پھیرت یہ حض پیت مکانس پہ یہ حض پیو یت مکانس پہ بلکہ اگر نا پہ گاؤں والی ہان گاؤں والوں کر مردی کہ یہ پلزے یت ہمو کور یہ مکان مگر یت مکانس پہ پیو یہ پتہ گاؤں وال ہمو کور ہیلپ ویلپ وول کی یہ ڈن کل مکانس پہ ام کور نقصان اس ادر کٹ اس درائی شر بس نبر کن واریا نقصان کر مگر گورمنٹن دت نا پٹوار حض صن دن یقین تغفل کہین ون دن یہ خبر نام جاری یتھ سنما اخ تجارتی وقفہ